वेलकम टू माय चैनल आरसी दोस्त किचन। आप सब लोग कैसे आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं लौकी के थेपले। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। दो कटोरी लौकी ले लेंगे। इसे अच्छी तरह से धो के छील लेंगे। छीलने के बाद भी अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद हम रेत लेंगे। यहाँ पर 4 कप आटा लिए हैं। मान लीजिए 600 ग्राम आटा लिए हैं। 1/2 इंची अदरक को रेत के ले लेंगे। गरम मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 2 हरी मिर्च ले लेंगे, गोटा जीरा ले लेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लेंगे, 1 कटोरी दही ले लेंगे। अब आटा में हम रेता हुआ लौकी को डाल देते हैं। हल्दी पाउडर को डाल देंगे, गोटा जीरा को डाल देंगे, अब धनिया पाउडर को डाल देंगे, गरम मसाला को डाल देंगे और नमक को डाल देंगे, हरी मिर्च को काट के डाल देंगे, मिर्च पाउडर को डाल देंगे। मिर्च पाउडर अपना स्वाद अनुसार आप ले लीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप और लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च ले लीजिएगा। अदरक को डाल देते हैं और रिफाइंड ऑयल को डाल देते हैं, मैक्सिमम समझिए 1 बड़ा चम्मच। सभी को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीका से। आटा को हमें ठीक से गूंथना है दोस्तों, क्योंकि लौकी से थोड़ा पानी निकलेगा। देखिए अच्छी तरह से मसल लेंगे लौकी और मसाला के साथ आटा को। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब यहीं पर हम दही को डाल देते हैं। दही को मिक्स कर लेंगे। अब गूंथ लेंगे आटा को और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी देके अच्छी तरह से गूंथना है। ज़्यादा पानी नहीं लगेगा दोस्तों, इस तरह से पानी दें और गूंथें। देखिए दोस्तों आटा को गूंथ लिए हैं और थोड़ा सा तेल डाल के हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। हम आपको दिखाने नहीं सके, इसमें थोड़ा सा ही तेल दिए हैं और अच्छी तरह से मसल लेंगे और आटा को सॉफ्ट गूंथ लेंगे। इसे ढक के 1/2 घंटा रख देंगे। चलिए अब आटा को चेक कर लेते हैं। 1/2 घंटा हो गई है। थोड़ा सा मसल लेंगे आटा को। देखिए पहले से और ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है आटा। में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और एक लोई काटेंगे। सूखा आटा में लगा के इसका एक लोई बना लेते हैं। सूखा आटा में लपेट लेंगे लोई को। अब बेल लेंगे। देखिए ऐसे बेल लेंगे। यह पराठा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर से घर पे बनाइएगा दोस्तों, घर वाले को खिलाइएगा, घर में सभी पसंद करके खाएंगे। देखिए बेल लिए है, अभी इसे उठा लेते हैं। अब ओवन में पहले ये तवा हम गरम कर लिए है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे थेपला को। ये जब तक थेपला थोड़ा सीख रहा है तब तक एक लोई हम और ले लेते हैं।
हाथ में सूखा आटा लपेट लेंगे और एक लोई को काट लेंगे। बहुत से बच्चे बड़े लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों, लौकी बहुत ही पौष्टिक चीज़ है, इसलिए आप इस तरह का पराठा बनाएं और बच्चे को खिलाएं, बच्चे पसंद करके खाएंगे। सूखा आटा में लपेट के फिर से बेल लेते हैं। देखिए थेपला को बेल दिए हैं। अब इस थेपला को हम चेक करते हैं, पलट देंगे इसे और यहाँ पर हम रिफाइन ऑयल को लगा लेंगे। सभी जगह रिफाइन ऑयल लगा लेंगे। अब पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी रिफाइन ऑयल को लगा लेते हैं। इसे दाब दाब के सेकेंगे, पलट लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। दूसरी तरफ भी इसी तरह सेकेंगे। जब तक ये सीख रहा है दोस्तों, हम आपको याद दिला दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। पलट लेते हैं। देखिए दाब दाब के दोनों तरफ सेक लेंगे। ये हो चुकी है, अब इसे नीचे उतार लेते हैं। दूसरी रोटी को भी उठा लेते हैं। देखिए पलट लेते हैं। अब एक तरफ सिक गया है, अब यहाँ पर भी हम रिफाइन ऑयल को लगा देंगे। लगा चुके हैं तेल को, अब पलट लेते हैं। अब दूसरी तरफ भी हम तेल को लगा लेंगे। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा, तभी आप इसका स्वाद जान पाएंगे। दाब दाब के अच्छी तरह से सेक लेंगे, फिर से पलट देते हैं। और दाब दाब के सेक लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए थेपला बन के तैयार हो गया है और हम इसे दही के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ और अचार के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर से एक बार घर पर ट्राई करें और इसे खाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसा लगा।